सनातन धर्म में माघ का महीना भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इस माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को षठ तिला एकादशी कहा जाता है। इस साल 18 जनवरी बुधवार को षठ तिला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न तिल का 6 प्रकार से प्रयोग किया जाता है, जिससे प्राणी को इस लोक में सभी सुख प्राप्त होते हैं एवं मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्त होती है। साथ ही इस एकादशी का व्रत करने से वाचिक, मानसिक और शारीरिक तीन तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आत्मज्ञान में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि नई नई जानकारी, नए नए उपाय आप तक आसानी से पहुंचते रहें। इस दिन प्रातः सर्वप्रथम स्नान करने वाले जल कुछ बूंद गंगा जल और तिल मिला लें, और इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए स्नान करें। ऐसा करने से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है एवं आध्यात्मिक ऊर्जा का विकास होता है। षठ तिला एकादशी के दिन व्रत करने वाले और न व्रत करने वाले सभी को तिल के तेल से मालिश करना बहुत शुभ रहता है। ऐसा करने से शरीर निरोग होता है और सर्दी से उत्पन्न विकार दूर होते हैं। शास्त्रों के अनुसार तिल से हवन करना बहुत शुभ बताया गया है। इस दिन हवन करने से पहले गाय के घी में काले तिलों को मिला लें और फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जप करते हुए हवन करें। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, समृद्धि आती है। सफेद तिल से लक्ष्मी या श्री युक्त सूक्त का हवन करने से माता लक्ष्मी की अतिशीघ्र कृपा प्राप्त होती है। इस दिन तिलोदक करते हैं, यानी पंचामृत में तिल मिलाकर भगवान विष्णु को स्नान कराते हैं, जिससे दुर्भाग्य दूर होता है। साथ ही इस दिन आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों को तिल मिश्रित जल का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद मिलता है और परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि जो भी व्यक्ति इस दिन तिलों का दान करता है, उसे स्वर्ण की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि एकादशी के दिन जितने तिलों का दान किया जाता है, उतने ही पाप नष्ट हो जाते हैं, उतने ही सालों के लिए स्वर्ग लोक में स्थान प्राप्त होता है। काले तिल का दान करने से शनिदोष शांत होता है। इस दिन सायंकाल के समय तिल युक्त भोजन बनाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को भोग लगाएं, साथ ही गरीब व जरूरतमंद को तिल से बनी हुई चीजों का भोजन कराएं। साथ ही व्रती को भी तिल युक्त फलाहार करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन तिल से बने हुए व्यंजन या तिल से भरा हुआ पात्र दान करने से अनंत पुण्यों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को इस एकादशी की महिमा बताते हुए कहते हैं, हे नृप श्रेष्ठ, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी षठ तिला या पाप हारिणी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे अधिक षठ तिला एकादशी करने से मिलता है। इस व्रत को करने से घर में सुख शांति और समृद्धि का वास होता है, नकारात्मक शक्तियां समाप्त होती हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, चाहे तो अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।